कल दिनांक 1 मई को सोशल मीडिया सेल के माध्यम से एक वायरल होते वीडियो के बारे में सूचना प्राप्त हुई, जिसमें 2 पुलिसकर्मियों के द्वारा कुछ बच्चों के साथ अमानवीय तरीके से मारपीट की जा रही थी। इस पर जब प्रथम दृष्टया जानकारी हासिल की गई तो यह प्रकरण सामने आया कि ग्राम मथेला थाना बलुआ जनपद चंदौली में स्थित एक दुकान स्वामी के द्वारा चोरी की नीयत से घुसे 3 लड़कों को, जुवेनाइल्स को, दुकान के अंदर ही पकड़ लिया गया था, जिसकी सूचना उसने चौकी प्रभारी के अलावा थाना बलुआ को दी। वहां पर पहुंचे चौकी प्रभारी द्वारा दुकान स्वामी के ये कहने पे कि वह मुकदमा नहीं लिखाना चाहता है तथा इनको केवल डांट समझा दिया जाए, इस पर विधिक कार्रवाई न करते हुए उनके साथ अमानवीय व्यवहार चौकी प्रभारी तथा उनके हमराह हेड कांस्टेबल दिलीप कुमार और चौकी प्रभारी शिवानंद वर्मा के द्वारा किया गया। अतः इसकी गंभीरता को देखते हुए इन दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जा चुका है तथा जांच अपर पुलिस अधीक्षक सदर को सौंप दी गई है। जांचोपरांत आवश्यक कार्रवाई